हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो लो मेंटेनेंस है, यानी कि उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। फ्रूटिंग भी यानी कि ऑलमोस्ट में हमेशा ही ज़्यादा होती है। क्वांटिटी अगर मैं कहूँ कि फ्रूट्स की ज़्यादा लगती है, और साथ ही गमले में ना बहुत अच्छे के साथ जो ग्रो कर सकते हैं, डिजीज़ भी इनमें कम होती है। कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो एक साल से पहले भी यानी कि आपको 5 से 6 महीने में फ्रूटिंग कर देते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट हैं जिन्हें आप गमले में आप इस बारिश ज़रूर ग्रो कीजिए। देखिए, बारिश आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, यानी कि एक से जो गर्मी अभी हालांकि बहुत ज़्यादा है, 1 से 1.5 महीने बाद जो है आप अपने फूड प्लांट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनमें से जो आपके आसपास जो भी नर्सरी हो या आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हो अपने एक लिस्ट को बनाइए और ज़रूर फ्रूट प्लांट गमले में ग्रो कीजिए। देखिए, मैं आज वही सब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले जो फ्रूट प्लांट में आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो है ग्रेप्स। कोई सा भी लगाइए, ब्लैक लगाइए या आप रेड आता है वो लगाइए, ग्रीन लगाइए, बट ग्रेप्स को ज़रूर लगाइए। छोटी सी बकेट में लगे हुए, देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं दिया, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो ग्रेप्स को जो है आप ज़रूर लगाइए। 1-2 बंचेज नहीं, बहुत सारे बंचेज हैं। इन्हें कैसे लगाया जाता है, इन्हें फर्टिलाइज़र कैसे दिया जाता है, इनकी देखभाल कैसे की जाती है, सभी वीडियो मेरे चैनल पर हैं। तो ग्रेप्स को आप इस बारिश में, अब जो बारिश के दिन आने वाले हैं, ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपने फ्रूट प्लांट को लगाने की। कि कौन कौन से फ्रूट प्लांट है वही मैं आपके साथ शेयर की, जो बम्पर फ्रूटिंग करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग होती है। देखिए, जैसे कि एक छोटी फैमिली है उसकी रिक्वायरमेंट को ये काफ़ी पूरा कर देते हैं। देखिए, ग्रेप्स जो है मार्केट में आप जानते हैं कितना पेस्टिसाइड और कितना कुछ होता है। अभी बीच में आपने देखा भी होगा, गले में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी लोगों को। तो ये आप अपने घर के शुद्ध और ऑर्गेनिक, हाँ देखिए, अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया की वेराइटीज़ को ही आप लगाइए। ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कि फ्रेंड्स, सेकंड प्लांट जो है लेमन, पूरे साल हालांकि मेरे लेमन के प्लांट से काफ़ी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, बट अभी भी देखिए कागजी जो 12-मासी वैरायटी है उसको लगाइए, या कुंभकाट जो नींबू की वैरायटी है उसे आप लगा सकते हैं। पूरे 12 महीने आपको लेमन मिलेंगे। ये देखिए लेमन की वैरायटी, आप देखिए जो भी वैरायटी मैं बता रही हूँ आपको अच्छी सजेस्ट करनी होगी। प्लांट्स जो है आपको ग्राफ्टेड लें या एयर लेयरिंग से रेडी लें। हाँ, ग्रेप वाइन को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेमन के प्लांट को लेना चाह रहे हैं तो एयर लेयरिंग और ग्राफ्टेड प्लांट ही आप लें, काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग करता है। 1 से 2 पौधे, यानी कि अगर आप 2 पौधे भी इसके आप लगा लेते हैं तो आपको मार्केट से लेमन को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारी हार्वेस्टिंग काफ़ी हो चुकी है और अभी भी इसमें फिर से लेमन, देखिए उधर भी काफ़ी सारे आने शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छी वैरायटी है जिसमें पूरे साल आपको फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी मेरे बेर में तो फ्रूटिंग नहीं हो रही है इस समय, क्योंकि इसकी टाइमिंग नहीं है। ये जो फ्लावरिंग आप देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन एप्पल बेर की कोई सी भी वैरायटी आप लगाइए, बाल सुंदरी लगाइए, थाई वैरायटी लगाइए, कश्मीरी एप्पल बेर लगाइए, मिस इंडिया लगाइए, जो भी आपको वैरायटी एप्पल बेर की बेस्ट मिलती है उसे आप, लेकिन ग्राफ्टेड पौधा ही लेना पड़ेगा। इसमें इतनी फ्रूटिंग होती है ना, 2 फ्रूट प्लांट आपने लगा लिए ना, आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि आप मार्केट से ख़रीदें। तो ये बेस्ट है फ्रूट प्लांट, बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं और इसको विशेष केयर की भी देखभाल नहीं होती है, काफ़ी हार्डी प्लांट है ये। तो इसे आप ज़रूर अपने गमले में ग्रो कीजिए। और फ्रेंड्स, अब आम भी आप गमले में लगा सकते हैं। मैं 6 साल से मेरे यहाँ आम के पौधे लगे हुए हैं, हर साल अच्छी फ्रूटिंग होती है। वैरायटी अच्छी लगाइए, ग्राफ्टेड पौधा लगाइए, इस बारिश के दिनों में भी आप इसे लगा सकते हैं। और बेटर रिजल्ट के लिए आप फरवरी के महीने में भी लगा सकते हैं, बट आप अगस्त के महीने में भी इसे, जब बारिश आपके पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ बारिश कब होती है, तब इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। इसमें हालांकि पूरे साल तो देखिए फ्रूटिंग नहीं होती, बट हाँ आप 12-मासी वैरायटी जो लेंगे, जैसे कि कैटिमोन लगाएंगे या विस्तारा लगाएंगे या आम की एक और 12-मासी जो कोटा की वैरायटी है वो लगाएंगे, उनमें साल में 3 से 4 बार फ्रूटिंग होती। देखिए, ये मेरा प्लांट है और इसकी बुशी देखिए ये कितना हो गया। मेरे पास 6 वैरायटी आम की जो है ना, हर साल ताज़े और मीठे जो है फल मिलेंगे। ये देखें, ऐसा नहीं है, इन सब की डिटेल वीडियोस, इन्हें कैसे लगाया जाता है, कैसे मिट्टी प्रिपेयर की जाती है, क्या क्या देखभाल करनी पड़ती है, प्रिपेयरिंग कैसे की जाती है फ्रूटिंग पर लाने के लिए, वो सब वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं।
फ्रेंड्स, ये जो है शहतूत का प्लांट है। हालांकि हम हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, बट अमेजिंग फ्रूटिंग होती है, इतनी फ्रूटिंग होती है, इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है ना, इसे आप ज़रूर लगाइए। मलबरी आप शॉर्ट लगा सकते हैं, लॉन्ग लगा सकते हैं, हार्डी प्लांट है, कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे भी फ्रूट प्लांट में आप अपने इस बारिश में शामिल कर सकते हैं। इस बार आप लगाएंगे, नेक्स्ट सीजन में ये सब फ्रूटिंग दे देंगे। जो भी प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नेक्स्ट सीजन में ही आपके यहाँ फ्रूटिंग हो जाएगी। और देखिए, नेक्स्ट प्लांट जो फ्रूट प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, वो अनार का प्लांट है। और ये भी देखिए, आपको वैरायटी अच्छी लेनी होगी। अनार आप सोच रहे हैं कोई सा भी ला के लगाएंगे, आपकी फ्रूटिंग अच्छी होगी, वैरायटी पर ध्यान देना ज़रूरी है। भगवा वैरायटी लगाइए, गमले के लिए बेस्ट है ये। इसका दाना बहुत मीठा है, सॉफ्ट है। तो अनार भी एक ऐसा है, पूरे साल इसमें वैसे एक तरह से फ्रूटिंग होती रहती है, हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से सीजन पर लेते हैं। कि फ्रेंड्स, गवावा आप सभी जानते हैं बहुत इजीली लगने वाला है, और ये जो है साल में दो बार इनमें फ्रूटिंग होती है। आप अच्छी वैरायटी लगाइए, इलाहाबाद लगाइए, L49 लगाइए, अर्का किरण लगाइए। ये देखिए, ये अच्छी, मतलब अगर आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे तो उससे होता ये, फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे, डिजीज़ उनमें कम होगी, और साथ ही साथ फलों का साइज़ भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये प्लांट भी एक ऐसा बहुत हार्डी है, इजीली ग्रोइंग प्लांट है, और इसका फ्लावर्स भी देखिए बहुत खूबसूरत होता है। फ्रेंड्स, मैं एक और फ्रूट प्लांट आपको रेकमेंड करूंगी, इसे भी आप लगाइए, बहुत अच्छा प्लांट है ये। वाटर एप्पल है, और मैंने भी फर्स्ट टाइम ग्रो किया है, इससे पहले मैंने किसी को सजेस्ट नहीं किया था। इसको आप लगाएंगे, एक साल बाद ही फ्रूटिंग हो जाती है। एयर लेडिंग वाला प्लांट ले सकते हैं, या आप जो है इसमें ग्राफ्टेड प्लांट भी ले सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, वो आपकी चॉइस है। और ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी आप इसे लगाएंगे, यानी कि आप गर्म इलाकों में आप इसे लगाएंगे तो अभी अच्छी फ्रूटिंग करता है। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई एक दो फ्रूट लगे, काफ़ी अच्छी मात्रा में देखिए इसमें बम्पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई है। आप मेरे वीडियोज़ अब मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसे भी मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप इसे लगाइए। और देखिए, किन्नू का पौधा भी आप लगा सकते हैं, अच्छी फ्रूटिंग करता है, इसे आप लगाइए। एयर लेयरिंग वाले लीजिए चाहे ग्राफ्टेड लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और ये काफ़ी अच्छा सीट्रस के प्लांट होते हैं, उनमें डिजीज़ कम आती है। देखिए, मेरे पास माल्टा भी लगा हुआ है, तो आप माल्टा भी लगा सकते हैं, किन्नू भी लगा सकते हैं, तो ये बेटर रिजल्ट देंगे आपके। इनका साइज़ अभी बहुत, इतना बिगेस्ट साइज़ होगा, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने इनकी हार्वेस्टिंग के वीडियोस डाले हुए हैं। तो ये एक अच्छा प्लांट है लगाने के लिए गमले में। फ्रेंड्स, नागपुरी संतरा भी एक संतरे की बहुत अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग करता है, तो उससे भी आप ज़रूर गमले में ग्रो कीजिए। फ्रेंड्स, स्टार फ्रूट का प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसे आप गमले में ग्रो करेंगे, आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेना होगा। ये भी काफ़ी, अभी हालांकि देखिए इसमें मेरे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बट आप मेरे वीडियोस देखिए, काफ़ी इसमें जो है फ्लावरिंग होती है, तो आप इसे ज़रूर लगाइए, काफ़ी बेटर इसमें रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, एक प्लांट भी अगर आप इसे लगा लेंगे ना, तो आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे ये पूरा कर देता है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है मेरे पास 60+ फ्रूट प्लांट है, बट कुछ फ्रूट प्लांट मैंने आपको ऐसे रेकमेंड किए हैं जो इजीली लग जाते हैं, और साथ ही साथ उनमें जो है बम्पर फ्रूटिंग भी होती है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो इस बारिश में आप इन फ्रूट प्लांट्स को ज़रूर ग्रो कीजिए। इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, फ्रूट प्लांट की, मिट्टी की, जो भी है, कैसे लगाया जाता है, सारी मेरे चैनल पर है। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।